हेलो। हाँ, राम राम बाबूजी, राम राम। हाँ, जेडी सर बोल रहे हैं। दीपोली रहा है और माँ बहुआ वहीं ट्रेनिंग करा रहे आपके वो माँ का आते हो खा। जेडी फिजिकल एकेडमी में? हाँ अकादमी वा तो अच्छा साहब दीपोली हम स्वागत सिंह की घर है आ जाए। अच्छा हाँ तो दो दो तीन लोग हैं वो सब लोग घर वाले दीपोली अच्छे मना ले। तो आप किसके पिताजी बोल रहे हैं? हम साहब ये ऋषभ के पिता ही बोल रहे हैं। अच्छा, ऋषभ। हाँ ऋषभ, सुबह बोल तो रहा था, लेकिन बाबूजी ऐसा है कि अच्छा दिवाली की वैसे तो छुट्टी हमारे यहाँ है नहीं, अच्छा साहब लेकिन बच्चे जिद कर रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि बाबूजी 16 तारीख से भर्तियाँ हैं और 16, 17, 18 लगातार भर्तियाँ हैं, और बच्चा अगर चला जाएगा 4-5 दिन के लिए तो उसका रिदम खराब हो जाएगा। अरे साहब वो बहुत परेशान हो रहा है कहते हमको बुलाओ साहब से बताओ हम एक ही तेरे हम लेकिन बात करते बाबूजी हैं। एक बात हमारी मानेंगे आप, अगर बच्चे को देखो हर साल दिवाली आएगी, अच्छा। अगर आप इस साल बच्चे को दिवाली ना अपने पास बुला के हमारे साथ मना लेने दो, भाई हम भी तो बच्चों के साथ रहेंगे, दिवाली मनाएंगे, इसके बाद बच्चों को यहाँ प्रैक्टिस भी कराएंगे। बाबूजी हमारे यहाँ पर दिवाली के दिन भी प्रैक्टिस है, छुट्टी नहीं है कोई, क्योंकि बाबूजी आपको सभी को पता है कि आपने अपना बच्चा हमारे पास भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। अरे वो साहब वो एक बात कहत रहा हो कहत रहा है वो कहाँ कहाँ पर थे जहाँ खाना बनाते हैं मिस मैं कहता हूँ चावल है चावल में नहीं है कौन बनावे वाले जो कहाँ हलवाई हाँ, तो अच्छा कहाँ बाबूजी है आप देखो जो वर्कर हैं वो तो छुट्टी पर चले गए, लेकिन बाबू जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बच्चे और हम लोग सब मिलके खाना बनाएंगे, उनको खिलाएंगे। लेकिन अब एक चीज बताए, अगर मान लो आपको एक दाल सब्जी रोटी चावल मिल रहा था, अगर एक दाल और रोटी और चावल मिलेगा तो उससे 2 दिन का सिर्फ काम है, 2 दिन बाद वो वर्कर मेस वाले सब वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 दिन की छुट्टी करके घर चले जाएंगे बाबूजी तो उसमें आपका बहुत लॉस हो जाएगा। तो इस हाँ वो वजह तो चावल कम है खात है फिर तो रोटी और फिर तो बहुत कमजोर होगी। तो बाबूजी अब कमजोर नहीं होगा, हम उसको रोटियां बना के देंगे, ठीक है, अच्छा। रोटियां बनवाएंगे। अभी हम लोकल के किसी ना किसी को पकड़कर खाना मेस का, चलो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बच्चा है, अब इतने सारे बच्चों को तो कैसे काम चलेगा बाबूजी। तो बाबूजी उसको समझाइए और भेजिए नहीं, क्योंकि देखो बार बार भर्ती का समय तो मिलता नहीं है कि नहीं? और देखो दिवाली तो कभी भी मना लेगा, आपके साथ भर्ती भी हो जाएगा तब दिवाली में छुट्टी लेकर भी मना लेगा बाबूजी, लेकिन अगर ये आप बुलाएंगे तो बच्चे का भविष्य बिगड़ सकता है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है बाबूजी कि बच्चे को ना बुलाइए, हमारे यहाँ एक भी दिन छुट्टी नहीं, एक भी दिन छुट्टी नहीं है। अच्छा साहब हम साहब ये एक और बात पूछ रहा है कि ये साहब ठीक ठाक दौड़ा दौड़ा है कि नहीं। नहीं बाबूजी, बच्चा आपका बढ़िया दौड़ता है और 5 के अंदर रनिंग है, आपके ही बच्चे की नहीं, हमारे यहाँ पर कम से कम 100 से भी ज्यादा बच्चों की 5 के अंदर रनिंग आती है, ठीक है साहब। और आप अपने बच्चे से पूछिए कि कितनी मेहनत कराई जाती है, आप आए भी थे शायद एकेडमी, आप देखे थे एक दिन सुबह रुक के देखा भी था आपने। हाँ ये वो दिन तो आए राम करीब 20-25 रोज पहले आए राम वो कानपुर आए राम थोड़ा काम रहा है काम कान हो ही लिया तो थोड़ी देर रुके तो राम बाबूजी वही बच्चों बस। के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और आपका बच्चा सिलेक्ट होके जाएगा, ये हमारा वादा और एकेडमी का वादा है, ठीक है बाबूजी। तो उसको समझा दीजिए और कहिए कि सर जी से मिले जाके ऑफिस में, ठीक है। तो साहब क्या है पास वास हो जाएगी कि नहीं इसकी हाँ बिल्कुल बाबूजी, पास हो जाएगा आपका बच्चा और बढ़िया से, ठीक है, ठीक है साहब फिर अपने ठीक। घर से मिलेंगे सारे का ठीक हाँ ठीक है बाबूजी, है साहब नमस्ते राम राम। नमस्ते बाबूजी। तो दोस्तों आपने देखा गार्जियंस कितना परेशान है अपने बच्चों को लेकर, गार्जियंस का कहना ये है कि हमारा बच्चा दिवाली पे घर क्यों नहीं आया, लेकिन दोस्तों हम अपने बच्चों के साथ जो हम पे भरोसा करके आते हैं, एक एक कोच के पे भरोसा करके आता है बच्चा, कहाँ से, पश्चिम बंगाल से बच्चा आता है, जम्मू कश्मीर से बच्चा आता है, गुजरात से बच्चा आता है, हम उनके गार्जियंस को उस पिता को जो एक उम्मीद लगा के बैठा कि मेरा बच्चा भर्ती पे रेस मारेगा, हम उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों मेरी एकेडमी 11, 12, 13, 14, 15 तक कहीं भी किसी भी दिन बंद नहीं है,
मैं पर डे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अभी भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और जब तक भर्ती हो नहीं जाएगी तब तक हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग बच्चों की प्रैक्टिस जारी रहेगी। अगर जिसका 16 तारीख को भर्ती है उसका 14 तक प्रैक्टिस चलेगा, 15 को रिलैक्स होगा और यहीं से भर्ती देखने जाएगा। तो सभी उन बंदों को मेरी तरफ से एक सजेशन है कि जो भी बंदे गांव देहात से बिलोंग करते हैं, कहीं और पर रहते हैं, किसी और पे एकेडमी पे रहते हैं, उनके लिए मैं बहुत बढ़िया बात बोलूंगा कि आप लोग दोस्तों अपनी तैयारी को बंद मत करिए। दिवाली शाम को मनाना है, दिन भर तो नहीं मनाना, दिन में तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिवाली सेलिब्रेट करिए, और दिवाली उस दिन अच्छी लगेगी जिस दिन आप भर्ती पर रेस क्वालिफाई करेंगे। ये वर्दी जिस दिन मिलेगी ना, तो हर दिन दिवाली है, उन जवानों की हर दिन दिवाली होती है। तो सभी को, सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, उन सरहद पर खड़े उन वीर जवानों को भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।